भाई जब बिग बॉस का प्रमोशन चल रहा था ना कि बिग बॉस 13 आने वाला है और इस सीज़न के अंदर में एकदम सब कुछ अलग होने वाला है, ऐतिहासिक होने वाला है, तो ऐसा लगा था कि बस प्रमोशन करने के लिए कुछ भी बोला जा रहा है। हम तो वैसे भी बिग बॉस देखने ही वाले थे, आप प्रमोशन ऐसा करते या नहीं भी करते तो भी हम देखने ही वाले थे। लेकिन इस वीकेंड के वार को देखने के बाद बताता हूँ, सबसे पहले बता दूँ आप देख क्या रहे हो, आप देख रहे हैं एड इन्फो टीवी, मैं हूँ मिस्टर ज़ीरो। तो चलो यार शुरू करते हैं। इस वीकेंड के वार में हुआ कुछ ऐसा धमाका बॉस, अब वो धमाका क्या हुआ बता देता हूँ। देखो जितने भी कमीने लोग भरे हुए हैं वो आपस में लड़के वैसे भी मरने ही वाले हैं, ठीक है, उनका कुछ कर नहीं सकते। अभी सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम सबसे गंदे फेस पे चल रहे हैं और वो देख करके यार बहुत ज़्यादा गंदा लगा मुझे, ठीक है। पूरी डिटेल में बात करूंगा लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ बात करने वाला हूँ सलमान भाई के बारे में, और इसके अलावा इस वीकेंड के बारे में किसके साथ क्या हुआ पूरे डिटेल के साथ में अलग अलग वीडियोस मिलेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो उसके बाद का वीडियो देखना मत भूलना। तो चलो बात करते हैं सलमान भाई के बारे में। सलमान खान की एंट्री वैसे भी यार घर के अंदर में देखी नहीं जा रही थी, पर जब देखी गई तो वो बहुत ही धमाकेदार सा था। कैसा धमाकेदार था भाई, अचानक से घर में घुसे अपने दो बॉडीगार्ड के साथ में, हाँ दो असिस्टेंट को लेकर के आए, और जब वो आए तो सारे घर के दरवाजे बंद कर दिए गए। मतलब अब उस पार से इस पार देख तो सकते हो पर अंदर आ नहीं सकते। सलमान खान आए और रा री री रा कहते हुए गाना गाते गाते अपना काम शुरू कर दिए। हाँ, आते ही सलमान खान ने सबसे पहले धोया बर्तन, किचन के अंदर में आकर के बर्तन को एक एक करके सारे बर्तन धोए। उसके बाद से किचन शेल्फ को साफ किया, फिर फ्रिज को साफ किया, उसके बाद से मॉप भी लेकर के आए हुए थे तो भाई वो भी लेकर के गए कहाँ, टॉयलेट साफ़ करने के, जिस टॉयलेट को साफ़ करने के लिए शहनाज गिल बोल बोल के हार गई और वहाँ पे आसिम जो है लड़ लड़ के मतलब पूरा गंदा कर दिया सीन, पर फिर भी उसने टॉयलेट साफ़ नहीं किया। तो फाइनली सलमान खान खुद गए, टॉयलेट साफ़ किया, टॉयलेट सीट पूरा टॉयलेट, उसके बाद से यहाँ तक कि वो जो क्या कहते हैं उसको, जहाँ पे सारे पानी जाके जमे होते हैं और वहाँ पे कुछ कचरा ऊपर जम जाता है, वो तक साफ़ किया, उसके अंदर से जो बाल निकाल निकाल के फेंका। भाई मुझे तो लगता है सलमान भाई को शादी करने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। मतलब यार बर्तन धो लेते हैं, सब चीज़ साफ़ रख लेते हैं, भाई हम लड़कों का ऐसा नहीं होता है। ये जो वीडियो देख रहे हो ना, इस वीडियो के पीछे में कितना बड़ा काला कांडी है ना, वो मैं दिखा नहीं सकता। मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं और वो सारी चीज़ें इधर उधर ऐसे फेंकी हुई है ना, हमने आज तक तो सीखा नहीं है। लेकिन सलमान भाई ने ये कर दिया है। अब देखो जितने भी सलमान खान के फ़ैन हैं अब अपना काम खुद से करना सीख लो। सलमान भाई 55 के हो चुके हैं लगभग, और उसके बावजूद देखो वो अपना काम खुद करते हैं। शादी नहीं हुई तो क्या हुआ यार, काम करना सीख लो। सच बता रहा हूँ, सलमान खान मतलब आए और पोछा झाड़ू पोछा शुरू कर दिए। पूरे के पूरे घर में जितने भी कंटेस्टेंट थे वो सब कोशिश कर रहे थे कि अंदर आए, पर किसी को आने को नहीं मिला क्योंकि बंद रखा गया था। सलमान खान अपने गुस्से को कूल करने के लिए गाना गाते गाते ये सारा काम कर जाते हैं, और इस सारी चीज़ों को देख करके अरहान भैया की ऐसी फटी कि वो सीधा घर पर जा करके सारी चीज़ों को सही जगह पर रखना शुरू कर दिया। सलमान खान जब स्क्रीन पर आए वापस से, मतलब घर के बाहर आए और स्क्रीन पर जब होस्ट करने लगे, तो उनका कहना था कि मैंने आज तक इससे गंदा घर नहीं देखा। जब मैं दो दिन पहले शो देख रहा था तो मैंने देखा कि सारी चीज़ें बिखरी पड़ी है और पूरा घर गंदा हो रखा है। आप लोगों का घर नहीं है लेकिन मेरा तो घर है, मैं तो यहीं पे हूँ, तो मुझे अपना घर साफ़ करना था तो मैंने कर दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो भाई सलमान भाई का गुस्सा देखने में तो आ रहा था लेकिन वो बहुत ही कूल तरह से हैंडल करने का सोच रहे थे, क्योंकि वैसे भी घर का माहौल बहुत अलग तरह से बिगड़ा हुआ था। अब अगर मेरी बात मानो तो सलमान भैया जितना चार्ज कर रहे हैं ना इस शो को होस्ट करने के लिए, तो लगता है बिग बॉस को आया गुस्सा और किसी ना किसी तरह से पकड़ा दिया कि ले बेटा बर्तन भी धो डाल, टॉयलेट भी साफ कर, सब कुछ कर। सच कह रहा हूँ यार, मतलब मेरे लिए वो एपिसोड बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया। जैसे उसका प्रमो आया तो मैं सोच रहा था ये सच में होने वाला है, बस ऐसे ही पता है ना क्लिक बेट बिग बॉस भी खेल जाते हैं। आजकल हम लोग क्लिक बेट खेलने से डरते लेकिन बिग बॉस नहीं डरते। भाई ये चीज़ जो हुआ ना मतलब हटके था, तो मेरे हिसाब से बिग बॉस 13 के अंदर में ये सबसे हटके था और हाँ ऐतिहासिक था, और बिग बॉस 13 को शायद कोई नहीं भूल पाए क्योंकि बिग बॉस 13 से पहले 12 जो सीज़न था उसमें बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ इतना हुआ कि भाई मूत्र विसर्जन भी कर दिया गया लोगों के ऊपर में, वो अलग ऐतिहासिक चीज़ थी। लेकिन ये जो हुआ है ना पिछले 12 साल में कभी ऐसा हुआ नहीं कि सलमान खान खुद घुसे घर के अंदर, बर्तन साफ़ किया, टॉयलेट भी साफ़ किया, लेडीज़ के जो बाल होते हैं फीमेल कंटेस्टेंट के बाल वो तक उठा के बाहर फेंक कर आए। हैट्स ऑफ, अगर सलमान के फ़ैन हो तो खुश हो जाओ, एंटी सलमान हो तो ज़्यादा खुश हो जाओ।
चलो यार, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, सारे लोगों के डिटेल में जो है और भी वीडियो लेकर के आने वाला हूँ, तो इस वीडियो के बाद में नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना। सब्सक्राइब का बटन दबा दो, बेल का भी बटन दबा दो ऑल सेलेक्ट करके, ताकि आने वाले टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय, सायनारा एंड अस्ता ला विस्ता।